ठीक है, अभी टाइम हो गया है तो हम क्लास शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, तो पहले हम कुछ चीजें पुरानी क्लियर कर दें। तो हमने लास्ट क्लास में सब्जियों के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड प्रीबायोटिक के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ऐसे केमिकल होते हैं जो कि हमारे जो फल और सब्जियों में जो कलर होता है वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स के कारण होता है। तो ये फलों, सब्जियों, अनाज और अन्य पौधों के में रंग भरते हैं, स्वाद भरते हैं और गंध भरते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी एंड इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और इंफ्लामेटरी डिजीजेस को ठीक करने में हेल्प करते हैं। कुछ हद तक देखा गया है कि ये हार्ट डिजीज, कैंसर और न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज, ऐसी डिजीज जिनमें न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो जाता है, उन बीमारियों को ठीक करने में भी हेल्प करते हैं। फिर हमने बायो एक्टिव कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, पदार्थ के बारे में पढ़ा था जो कि हमको जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों से मिलता है। बायो एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड या ऐसे पदार्थ जिनमें, जैसे हल्दी है, हल्दी के अंदर करक्यूमेन होता है, अंगूर से रेस्वेस्ट्रॉल है, मछली के तेल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है और कॉफी बीन्स में कैफीन है। ये बायो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो कि किसी सब्जी में, फल में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने प्रीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था। तो प्रीबायोटिक्स क्या है? एक तरह के आहार है, किसके लिए? इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया के लिए। तो ये इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को मजबूत करने के लिए, उनको एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए प्रीबायोटिक का काम होता है। प्रीबायोटिक किसमें, जैसे दही वगैरह में प्रीबायोटिक पाए जाते हैं या प्रोबायोटिक भी बोला जाता है। तो आंत में जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है उन सभी बैक्टीरिया को जो है मिला के माइक्रोबायोटा बोला जाता है। ठीक है, तो इनकी कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी थी कि नॉन डाइजेस्टिबिलिटी, ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। दूसरे, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में अपना ये योगदान देते हैं। और ये किन किन चीजों में पाए जाते हैं? मूल रूप से जो है दही है, चिकोरी रूट है, जेरूसलम, ऑटीचोक, लहसुन, प्याज, ली, केले, शतावरी, जई और साबुत अनाज में ये मौजूद रहते हैं। और फर्मेंटेड वेजिटेबल्स में भी ये पाए जाते हैं, केफिर है,
उसमें भी ये रहते हैं, तो किसी भी तरह का फर्मेंटेशन जो है इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो गट माइक्रोबायोटा यानी इंटेस्टाइन के माइक्रोबायोटा को ये बढ़ावा देते हैं। माइक्रोबायोटा क्या करते हैं, एक तरह की इम्यूनिटी हमारे इंटेस्टाइन के सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं इस तरीके से। तो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया के बारे में हमने देखा था कि ये हमारे शरीर में एक स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कई कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण ये नष्ट हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या घट जाती है इनकी मात्रा। तो उसके कुछ कारण थे जैसे कि आहार संबंधी कारणों में फाइबर की कमी वाला खराब खाना है, हाई फैट हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड का अत्यधिक सेवन करने से ये जो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया डेड होने लगते हैं जो गुड बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक के उपयोग से और स्ट्रेस के कारण और किसी तरह का इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाए उसके कारण, फिर एज के साथ साथ भी डिसबायोसिस हो जाता है यानी कि आपके माइक्रोबायोटा का बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, बैक्टीरिया कुछ डेड हो जाते हैं। यही चल के जो है आगे जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो डिसबायोसिस होने के कारण पेट फूलना, गैस, दस्त, कब्ज, इस तरह की पाचन संबंधी बीमारियां आती, और इन्हीं की वजह से यह थकान, मूड में गड़बड़ी, कमजोर प्रतिरक्षा, इस तरह की प्रॉब्लम्स जन्म होती है। और IBS, IBD, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ऑटो इम्यून डिजीज का ये कारण बनता है। इसके बाद हमने देखा था कि सब्जियों में विटामिन और खनिजों का ये सबसे बड़े स्रोत होते हैं। तो इनमें विटामिन में क्या क्या होता है, विटामिन ए है, विटामिन सी और विटामिन ई और कुछ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन है जैसे कि फॉलेट वगैरह। खनिज यानी मिनरल में सब्जियों के अंदर पाया जाता है लोहा, तांबा, जस्ता, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। फाइटोकेमिकल कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें कैरोटेनॉइड्स हैं, एल्कलाइड्स हैं, टेरपेनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, फिनोलिक्स हैं और बायोएक्टिव पेप्टाइड्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिनको हम आज पढ़ेंगे। तो हमने कैरोटेनॉइड्स के बारे में पढ़ लिया था, ये क्या होते हैं, प्रकृति में कम से कम 600 से अधिक तरह के अधिक प्रकार के कैरोटेनॉइड्स होते हैं, लेकिन सामान्य मानव आहार में केवल 50 ही मौजूद है। सामान्य आहार स्रोतों में हम देखें तो गाजर, शकरकंद, टमाटर, पालक और लाल मिर्च इत्यादि इसमें शामिल हैं। इनमें जो कलर आप देखते हैं वो इन्हीं कैरोटेनॉइड्स के कारण होता है। दूसरा, कैरोटेनॉइड्स क्या है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो कि कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। प्रो विटामिन ए के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कैरोटेनॉइड में जैसे बीटा कैरोटीन होता है तो शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो सकते हैं, और विटामिन ए जो है हमारी आई के लिए, इम्यूनिटी के लिए और स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने पढ़ा था। दूसरा है एल्कलाइड्स, पहला हमने कैरोटेनॉइड्स, एक एक कंपाउंड के बारे में हम पढ़ते चले जाएंगे। एल्काइड्स, ये आपकी जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है, तो हम इसमें आपको एक जानकारी हो जाए मोटे तौर पे, इसलिए हम इन टॉपिक्स को ले रहे हैं। बाकी इनका कुछ जगह पे प्रैक्टिकल यूज हो सकता है, नहीं तो आपको जानकारी भी रहे तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एल्काइड क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों का एक बड़ा समूह है जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग संरचना में नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं, ये पौधे
फंगस, बैक्टीरिया और जानवरों सहित विभिन्न जीवों द्वारा उत्पादित होते हैं। एल्काइड अपने औषधीय प्रभावों के लिए जाने जाते हैं और मनुष्यों और अन्य जानवरों पर गहरा शारीरिक प्रभाव डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इनका जो है रासायनिक जो संरचना है उसमें हेड्रोसाइक्लिक रिंग होती है और नाइट्रोजन परमाणु का इसमें होना जरूरी होता है। इनका स्वाद कैसा होता है? एल्कलाइन जो नेचर है वो होती है कड़वी स्वाद, ठीक है। तो ये आमतौर पर क्षारीय होते हैं इसलिए इनका नाम एल्काइड होता है। पौधों में एल्काइड अक्सर शाकाहारी और रोग जनकों के खिलाफ रक्षा तंत्र के रूप में काम करते हैं। कुछ एल्काइड जो है जानवरों पर जहरीला असर डालते हैं और जबकि अन्य में कुछ औषधीय गुण, तो दोनों ही इनमें गुण होते हैं एल्काइड में। एक होता है कि किसी जीव को ये मार भी सकते हैं, इनमें जहर भी होता है और कुछ जो है विकर्षक भी होते हैं, कुछ में औषधीय गुण होते हैं, तो इनसे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। अब आपको देखिए सबसे बढ़िया चीज आपको पता चलेगी कि एल्काइड के जो उदाहरण है, तो औषधीय प्रभाव वाले एल्काइड क्या कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। तो कई एल्काइड में उल्लेखनीय औषधीय गतिविधियां होती हैं और उनका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए मॉर्फीन और कोडीन, अफीम और खसखस से प्राप्त एल्काइड है और इनमें एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक गुण होते हैं। तो जो पेन किलर के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो पुराने जमाने में जब शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन वगैरह किया जाता था तो उस समय पर लोगों को या तो अफीम वगैरह खिला के जो है, या किसी अन्य तरह का एल्कोहल का नशा दे के, किसी भी तरह के नशे से उनको जो है नशा कराया जाता था और जिसके बाद जो है फिर आगे उनका ऑपरेशन किया जा सकता है। तो इनमें दोनों ही गुण होते हैं। अगर इनका आप औषधि के रूप में उपयोग करेंगे तो शरीर के लिए फायदेमंद होंगे और अगर आप इनका नशे के रूप में उपयोग करेंगे तो शरीर के लिए हानिकारक होंगे। तो एल्काइड के जो उदाहरण हैं उनमें है मॉर्फीन, कोडीन, अफीम और खसखस से प्राप्त ये एल्काइड है। इनमें एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक गुण होते हैं। तो अगर मान लो किसी को कोई चोट लग जाती है या बहुत कई लोगों को देखा होगा जो भारी मेहनत करते हैं, कुछ लोग अफीम खाने के खा लेते हैं तो उससे उनकी थकान उतर जाती है, दर्द का पता नहीं चलता है। लेकिन जब ये हैबिचुअल हो जाता है तो बिना अफीम के फिर वो रह नहीं सकते और इससे उनका शरीर अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है। दूसरा एल्काइड है कैफीन। कैफीन किससे मिलता है हमको? चाय से या कॉफी से। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट है वो है निकोटीन। ये भी एक तरह का एल्काइड है जो कि हमको तंबाकू से मिलता है। तो ये जो एल्काइड है इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर उत्तेजक प्रभाव होता है, यानी कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, आपके शरीर में एक एक्साइटमेंट को जगाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग नशा करते हैं, तो अगर वो नशा नहीं कर रहे हैं जब तक उनको शरीर में तो कुछ कमजोरी टाइप की उनको फील होती है और जैसे ही उनको नशा मिलता है वो एक्टिव हो जाते हैं, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम खुल जाता है अचानक से। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो नशा ना करें, नशे के रूप में इन चीजों का सेवन ना करें, तो उनके जो है ज्ञान चक्षु खुलते नहीं है, देखा जाए तो उनकी सारी संवेदना एक्टिव हो जाती है। तो ये एक तरीके से स्टिमुलेशन देता है। लेकिन जब इसका ज्यादा प्रभाव कर ज्यादा इसका सेवन कर लेंगे तो फिर ये जो है दिमाग को सुला देगा, फिर ये नशे के रूप में दिमाग को एकदम सुला देगा, जिससे क्या है शरीर के दूसरे ऑर्गन जो है एकदम अपना कंट्रोल खो देते हैं। इसलिए फिर ऐसा आदमी जब चलेगा तो पूरे रोड में नाचते हुए चलेगा, पूरा झूलते हुए, ज्यादा सेवन से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हैं ये सब लोग जो है। तो जो भी लोग इनका दवाई के रूप में सेवन करेगा या बहुत कम मात्रा में, तब तो ये फायदे के रूप में रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो है नशे के रूप में ले रहे हैं तो इनसे जो है कई तरह के कैंसर और कई तरह की बीमारियां शरीर में जन्म लेती है, फिर ये उल्टा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देते। तो ये एल्काइड का प्रभाव। तो एल्काइड में मॉर्फीन है, कोडीन, अफीम, खसखस, कैफीन और निकोटीन
चाय का भी इसी तरह से प्रभाव है। कई लोग जब तक चाय ना पिए उनका दिमाग एक्टिव ही नहीं होता, एक सुस्ती बनी रहती है, तो चाय पीते ही जो है एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, तो ये चाय का प्रभाव है। तो ये जो भी हैं अपने एल्काइड हैं, अगर चाय को भी आप बहुत ज्यादा लेंगे तो उसकी नेचर एसिडिक होती है, जिससे जो है बॉडी में एसिडिटी बनती है। दूसरा, अगर महिलाएं ज्यादा चाय पियेंगी तो आयरन की डेफिशिएंसी उनमें होती है, क्योंकि आयरन को बाइंड कर देती है, इस बात को ध्यान रखना। तो ज्यादा चाय भी नुकसानदायक है कभी कभार, या दिन में एक चाय ले ली बहुत है आपके दिमाग के लिए जो है स्टिमुलेशन के तौर पे बढ़िया है। इनका जो है दो भागों में इनको बांटा गया है, एक है ट्रोपेन एल्काइड, दूसरा है इंडोल एल्काइड। मुख्य रूप से कुछ इनके टाइप्स हैं, और एक है, तो ये चार तरह से हैं, पाइरोलिडिन एल्काइड एंड आइसो क्विनोलिन एल्काइड। तो पहला है ट्रोपेन एल्काइड, ये बेलाडोना और हेनवेन जैसे पौधों में पाए जाते हैं। इनका मतिभ्रम या विषाक्त प्रभाव होता है, यानी कि ये जो है बेलाडोना और हेनवेन जैसे पौधे हैं जिनका जिनको अगर किसी को खिला दिया जाए तो मति भ्रम हो सकता है, यानी कि उसका बुद्धि जो है खराब हो सकती है और जहरीला है, यानी कि मौत भी हो सकती है। इंडोल एल्काइड क्या है, ये बिंका प्रजाति के जैसे पौधे में पाए जाते हैं और इनसे कई तरह की औषधियां बनाई जाती हैं। फिर है पाइरोलिडिन एल्काइड, तंबाकू जैसे पौधों में पाए जाते हैं, तो इनमें उत्तेजक प्रभाव होते हैं, जैसा कि मैंने बताया एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है इनमें, इसीलिए अक्सर लोग तंबाकू या जो है दूसरे तरह के तंबाकू है, खैनी है, जिनमें भी निकोटीन है, या तंबाकू के पौधे से जो भी बनता है, तो वो जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन तो देते हैं, पर इनसे जो है कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। तो पाइरोलिडिन में के जो टाइप है उनमें एक आ जाता है तंबाकू जैसे पौधे, ठीक है, जिनमें निकोटीन होता है। फिर है आइसो क्विनोलिन एल्काइड, ये खसखस जैसे पौधों में पाए जाते हैं और इनमें एनाल्जेसिक और शामक प्रभाव होते हैं। तो एनाल्जेसिक जो है खसखस जैसे पौधों में ये पाए जाते हैं। औषधि उपयोग के रूप में अगर देखा जाए तो कई एल्काइड का उपयोग उनके चिकित्सीय गुणों के लिए चिकित्सा में किया जाता है। उदाहरण के लिए कुनेन है, तो कुनेन की जो छाल है इसको सिनकोना छाल भी बोला जाता है, तो कुनेन का जो उपयोग है मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है, जबकि बिन क्रिस्टाइन और बिन ब्लास्टाइन मेडागास्कर पेरीविंकल का उपयोग कैंसर कीमोथेरेपी में किया जाता है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज ये आपको पता चली कि जो कुनेन जो होता है मलेरिया की जो दवाई होती है वो दवाई बनाने में भी इनका एल्काइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक मिनट, तो दवाई के रूप में हमने देखा कुनेन का उपयोग किया जाता है, कुनेन यानी जो सिनकोना छाल से प्राप्त होता है, और जिसका उपयोग मलेरिया के रूप में किया जाता है, और कीमोथेरेपी में कैंसर की कीमोथेरेपी के लिए बिन क्रिस्टाइन और बिन ब्लास्टाइन मेडागास्कर पेरीविंकल नाम के पौधे से इसका उपयोग किया जाता है। जहर के रूप में देखा जाए तो कुछ एल्काइड उच्च खुराक पर या अनुचित तरीके से सेवन किए जाने पर विषाक्त हो सकते हैं। उदाहरण में स्ट्राइकिन स्ट्राइकनोस जीनस के पौधों से निकलता है, और एकोनेटाइन ये एकोनेटम जीनस के पौधों से निकलता है, तो ये दोनों शामिल हैं, इनका जो है जहरीला प्रभाव होता है। कुल मिलाकर एल्काइड प्राकृतिक यौगिकों के एक विविध और महत्वपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका चिकित्सा औषध विज्ञान और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। तो ये अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये थे एल्कलाइड्स। अब हमारा अगला है टेरपोनाइड्स। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये सभी जो है फाइटोकेमिकल्स। कैरेटोनाइड्स हमने देख लिए, एल्कलाइड्स देख लिए,
अब हम देखेंगे टेरपोनॉइड्स। एल्काइड की पिक्चर में आपको दिखाता हूं, ये है एल्कलाइड, देखिए इसमें धतूरा भी आ जाता है एल्काइड के रूप में, आपके सामने पिक्चर शो हो रही होगी, ये धतूरा है, तो धतूरा भी जो है एल्काइड के रूप में होता है। नेक्स्ट है टेरपोनॉइड्स, जिन्हें टेरपेंस के नाम से भी जाना जाता है। आइसोप्रीन C5H8 की मूल इकाई से प्राप्त कार्बनिक यौगिक का एक विविध वर्ग है जिसमें ये पाया जाता है। तो ये जो है विभिन्न प्रकार के पौधों, कवक और कुछ जानवरों द्वारा उत्पादित होते हैं। टेरपोनॉइड्स पौधों की वृद्धि, रक्षा तंत्र और अन्य जीवों के साथ बातचीत में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। ये अपने सुगंधित गुणों के लिए भी मूल्यवान, तो इनसे जो है इत्र वगैरह प्राप्त होता है, जो भी फलों में या सब्जियों में जो एक खास तरह की स्मेल होती है, फूलों में जो स्मेल होती है वो इन्हीं के द्वारा प्राप्त होती है। ये एक तरह के कंपाउंड है जो कि पौधों में पाए जाते हैं। इनके कार्य क्या है, पौधों में इनके कार्य हैं, टेरपोनॉइड्स कई जैविक कार्य करते हैं डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि के लिए, ये जो है विकास को बढ़ावा देने के लिए इनका काम होता है, और फूलों और फलों में रंगों में ये योगदान करते हैं। और इनसे ये जो है कुछ फलों से या कुछ फूलों से जो तेल निकलता है, उस तेल में भी मुख्य रूप से जो है टेरपोनॉइड्स। सुगंधित गुण जो है, कई टेरपोनॉइड्स अस्थिर होते हैं और पौधों की विशिष्ट गंध और स्वाद में योगदान करते हैं, तो आवश्यक तेल जिनमें विभिन्न टेरपोनॉइड्स होते हैं या व्यापक रूप से इत्र और सौंदर्य प्रसाधन और अरोमा थेरेपी में इनका उपयोग किया जाता है। तो अरोमा थेरेपी में अलग अलग तरह के ऑयल्स का उपयोग करके जो है बीमारियों को ठीक करने के लिए, जैसे डिप्रेशन के केस में या दर्द निवारक के रूप में जो है इनका उपयोग किया जाता है, सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, खासकर माइग्रेन, साइनोसाइटिस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन बीमारियों में अरोमाथेरेपी में इस खास तरह के तेलों का उपयोग किया जाता है जो अपना एक खास गुण रखते हैं। कुछ जो है उत्तेजक होते हैं, कुछ शामक होते हैं, इस तरीके से, तो वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग उन तेलों का यूज किया जाता है। ठीक है, उनमें से जो है बहुत सारे टेरपोनॉइड्स का एक तो इत्र के रूप में यूज हो गया अरोमा थेरेपी के रूप में, और कुछ सौंदर्य प्रसाधन यानी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं तो उनमें भी उसका उपयोग किया जाता है। औषधीय उपयोग के रूप में देखा जाए तो इनमें विभिन्न तरह के औषधीय गुण होते हैं, इनका उपयोग पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा में भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप मेंथॉल यानी पुदीना शामिल है, जिसमें कि एनाल्जेसिक और शीतलन प्रभाव होता है, और ऑटमिसिया नामक एक पौधा है, ऑटमिसिया एनुआ से ऑटमिसिनिन नामक केमिकल प्राप्त होता है जिसका उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए भी किया जाता है। एक हमने अभी पढ़ा था मलेरिया के इलाज के लिए कुनेन भी यूज की जाती है, और दूसरा जो है ऑटमिसिनिन नाम का केमिकल जो कि ऑटमिसिया एनुआ नाम के पौधे से प्राप्त होता है। तो एक एग्जांपल जो हम डेली कुछ लोग यूज करते होंगे या कभी कभी पुदीना का उपयोग किया होगा, तो उसमें जो मेंथॉल है, जो गुण है मेंथॉल, वो उसकी तासीर ठंडी होती है, ठंडक प्रभाव है उसका, और एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक है। तो आप जो बाम देखते हैं ना, बाम हर एक राज्य में आपके हर एक जगह पे अलग अलग नाम से बाम मिलती है, उन बाम के अंदर मेंथॉल मिलाया जाता है, तो जो लगाने के बाद एक ठंडक जो आपको मिलती है स्किन के ऊपर, वो मेंथॉल की वजह से होती है। नीलगिरी हुआ, तो नीलगिरी के पौधे में, यूकेलिप्टस के पौधे में भी एक तरह का टेरपिनॉइड्स है वो भी, क्योंकि उसकी अपनी एक खास तीक्ष्ण गंध होती है, तो जैसे अगर बंद नाक है तो उसको आप सूंघते ही आपकी नाक खुल जाएगी। तो ये जो है इनको क्या बोलते हैं, टेरपिनॉइड्स।
इनका जो है औद्योगिक उपयोग भी किया जाता है। इनका उपयोग मोस्टली सॉल्वेंट, फ्लेवर, फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में, फार्मास्यूटिकल्स एंड सुगंध और पॉलीमर के सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ प्रसिद्ध टेरपोनॉइड्स हैं, हमने एक दो तो देख लिए, जैसे मेंथॉल हो गया है, यूकिलिप्टस हो गया है। पहला है लिमोनीम, ये खट्टे फलों में पाया जाता है और अपनी खट्टी गंध के लिए जाना जाता है, जैसे इमली है, आम है। इनकी कुछ खटास की गंध ऐसी होती है कि इनको अगर सामने रख दिया जाए तो तुरंत जीभ में पानी आता है और हमारी लार ग्रंथियां जो है एक्टिव हो जाती है। तो ये लिमोनिन नाम के टेरपोनॉइड्स की वजह से ऐसा होता है। दूसरा है पाइन, तो खट्टे फलों में जो पाई जाती गंध, खट्टी गंध के लिए ये जिम्मेदार है लिमोनिन नाम का टेरपोनॉइड्स। दूसरा है पाइन ट्री, पाइन ट्री जो है चीड़ के पेड़ों में ये पाया जाता है, इसकी चीड़ जैसी सुगंध होती है। फिर है कैनाबिनॉइड्स, ये कैनबिस यानी मारीजुआना के पौधों में ये पाया जाता है, जिसमें जो है कुछ औषधीय गुण भी होते हैं और इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होते हैं। फिर है जिंक गोलाइड्स और बिलो वालाइड्स, ये जिंक गो बिलोवा में पाया जाता है, इसमें न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रभाव होते हैं, यानी कि नर्व से रिलेटेड प्रभाव होते हैं जो नसों को मजबूती प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये थे हमारे जो है टेरपोनॉइड्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि टेरपोनॉइड्स का हम अपनी जिंदगी में भी काफी उपयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये टेरपोनॉइड्स थे। तो इसीलिए हम एक एक शब्द जो है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको इन चीजों का थोड़ा ज्ञान भी रहे और याद भी रहे कि हाँ ये क्या है। तो अभी हमने जो देखे फाइटोकेमिकल में कैरोटेनॉइड्स देख लिए, एल्कलाइड्स देख लिए और टेरपोनॉइड्स भी देख लिए। टेरपोनॉइड्स की पिक्चर जो है तो देखिए, ये सब आता है, जैसे लौंग जो है, लौंग है, ग्रास है, क्लोवर है, तो इन सब के ये एग्जाम्पल हैं। बाकी पुदीना है, ये सब जो है टेरपोनॉइड्स। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेवोनॉइड्स, ये भी एक तरह का फाइटोकेमिकल यौगिक है। तो अभी हम फ्लेवोनॉइड्स की पिक्चर आपके सामने, तो फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं? तो फ्लेवोनॉइड्स एक व्यापक ग्रुप के पोषक तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं पौधे के विभिन्न भागों। ये पौधों की सुंदर रंगत यानी कलर, उनका स्वाद और उनकी अट्रैक्शन में ये योगदान करते हैं। जैसे आप किसी फूल को देखिए या किसी खास पौधे को देखेंगे, एक अलग ही अट्रैक्शन होता है, आप खिंचे चले जाते हैं उसकी तरफ। एक सुंदरता जो है ये फ्लेवोनॉइड्स के कारण उनमें होती है। इनके कई प्रकार के होते हैं, क्वास्टीन, काफीसीन, रूटीन, कॉम्पेरोल, फ्लेवनॉल्स इत्यादि। तो इनके लाभ क्या हैं, ये क्यों जरूरी हैं, हम इंसानों के लिए क्यों जरूरी है? तो फ्लेवनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इनमें, जो शरीर में किसी भी तरह की जो विकृतियां जन्म लेती हैं उन विकृतियों को कम करने में मदद करते हैं। और हम पढ़ चुके हैं एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं, और जो फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले रोग हैं उनसे बचाते हैं, जैसे कैंसर और हार्ट डिजीज को रोकने में ये मददगार साबित होते हैं। ठीक है, बाकी एंटीऑक्सीडेंट का मैं थोड़ा सा आगे इसमें टॉपिक और जोड़ दिया है, तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा।
इनके प्राकृतिक स्रोत क्या है फ्लेवोनॉइड्स के? तो ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में होते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज और फूल। ये खाद्य पदार्थ विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फ्लेवोनॉइड्स। इसके बाद आता है हमारा फिनोलिक्स। अब ये फिनोलिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो एक व्यापक श्रेणी के प्राकृतिक रसायन होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। ये रासायनिक यौगिक हाइड्रोक्सिल यानी कि OH- OH ग्रुप के साथ एरोमेटिक रिंग यानी कि फेनॉल रिंग से मिलकर बने होते हैं, और ये पोषक तत्व तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, और उन्हें इसके प्राकृतिक रंग, स्वाद और आरोग्यकारी गुणों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। फिनोलिक्स की पिक्चर में देखते हैं। फिनोलिक्स फिनोलिक्स इसको मैं थोड़ी देर में आपको, काफी बड़ी चीज है, एक सिंपल तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। काफी कॉम्प्लेक्स चीज है ये। तो अभी पिक्चर आपके सामने, पहले इसका थ्योरी पढ़ते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इनके जो है कुछ मुख्य प्रकार इस तरह हैं। एक है फ्लेवोनॉइड्स, इसको हमने पढ़ लिया है। ये फिनोलेक्स का एक प्रमुख उपश्रेणी है, सब टाइप है, जिनमें कई सब टाइप शामिल होते हैं, जैसे क्वास्टिन, कॉफीसिन, पोम्पेरोल। ये खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और इनके कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। फेनोलिक एसिड, इनमें कॉफीक एसिड, पेरोलिक एसिड और गैलिक एसिड और रूस मैरिनिक एसिड होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और इनके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण ये महत्वपूर्ण होते हैं। फिर है एंथोसायनिन, एंथोसायनिन्स। ये फिनोलिक्स के सब टाइप हैं जो खास तौर पर फलों और फूलों के रंग को देने में मदद करते हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, रेस्पबेरीज, अंगूर के जो रंग है वो है। तो ये तरह का पिगमेंट जो है फलों को प्रोवाइड कराते हैं इस तरीके के फिनोलिक्स जो है। ठीक है, तो इसमें एंथ्रोसाइनिन टाइप के जो फिनोलिक्स हैं वो जो है फलों में रंग भरने का काम करते हैं। उन्हीं के कारण जो है, इसीलिए जो खट्टे फल होते हैं या कलरफुल हैं, उन वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो कैंसर जैसे रोगियों को इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए जो हाई एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो इससे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। साथ में फ्री रेडिकल्स जो हमारी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहे होते हैं, तो वो डैमेज करना रुक जाता है, जिससे आदमी धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। तो जब बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बॉडी में बढ़ जाना। ठीक है, तो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर। तो एक अभी हमने देखा फिनोलिक एसिड्स, फिर हमने देखा एंथ्रोसाइनिन, तीसरा है फ्लेवोनॉल्स। ये एक और प्रकार का फ्लेवोनॉइड्स है जो कॉफीक एसिड के साथ संबंधित होते हैं और जो कई तरह के खाद्य पदार्थों में आमतौर पर पाए जाते हैं। तो यहां पर हमने देखा फिनोलिक्स, ठीक। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, फाइटोकेमिकल के रूप में है बायो एक्टिव पेप्टाइड्स। बायो एक्टिव कंपाउंड हमने देख लिए थे, बायो एक्टिव पदार्थ देख लिए थे, अब हमको देखना है बायो एक्टिव पेप्टाइड।
ये क्या होते हैं? ये पिक्चर को थोड़ा अगर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कॉम्प्लेक्स है। अभी मोटे तौर पे आप ये ध्यान रखिए, तो जहां मेरा कर्सर है, इनके बहुत सारे फायदे हैं। चलिए यहां से शुरू करते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे आपने फिनोलिक्स, ये येलो कलर के बारे में दिख रहा है, तो यहाँ पर ये आप ये मान के चलिए कि ये इनका यहाँ पर रोल होगा। और ये किस किस तरह की बीमारियों को ठीक करते हैं, तो जैसे देखा जाए तो इंफ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स बॉडी में होता है उसको रिड्यूस करेंगे, तो न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है, एंटी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है, एंटी इंफ्लामेटरी सब्सटेंस के रूप में काम करते हैं जिससे कि इंफ्लामेशन रिड्यूस होता है। और क्या करते हैं, सेल को, मेम्ब्रेन को रिपेयर करने में यहाँ पर ये काम करते हैं, एंटी कैंसर एक्टिविटी के रूप में है, कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी के रूप में है। तो इनके बहुत सारे फंक्शन आप देखिए, ज्यादातर बड़ी बड़ी बीमारियों में इनका अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले है, बीपी को जो है कंट्रोल करने में, फिर हाइपर पिगमेंटेशन डिसऑर्डर से लड़ने में भी ये जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक पूरा एक साइकिल है, उसको एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, उसके रूप में ये फिनोलिक्स जो है हमारे शरीर में काम करते हैं। नेक्स्ट है बायो एक्टिव पेप्टाइड्स। पेप्टाइड हमारे शरीर में किस तरह बनते हैं, आप जरा मुझे लिख के बताएं कि पेप्टाइड जो है हमें कैसे प्राप्त होते हैं, कौन सी चीजों के टूटने से पेप्टाइड बनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को पानी वगैरह पीना है तो पानी पी सकते हैं, फिर हम आगे कंप्लीट करेंगे। तब तक जो है पेप्टाइड के बारे में जो भी बताना चाहे अपना हैंड रेस कीजिए, मैं फिलहाल जो है माइक्रोफोन ऑन कर दिया है, तो जिसको पता है वो अपना माइक अनम्यूट करे और बताइए पेप्टाइड्स हमको कैसे प्राप्त होते हैं। जिसको भी जो भी नॉलेज हो, जो भी पता हो, आप बता सकते हैं। हाँ जी रश्मि जी बताइए। सर प्रोटीन से अमीनो एसिड से पेप्टाइड मिलता है हमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो है एक्टिव भी रहें, जब भी मैं कोई सवाल पूछूं तो फटाफट उसके आपको जो है तुरंत जवाब देना है अगर आपको पता है, इससे आपको भी एक्टिव होना जरूरी है ना। या फिर आप जल्दी से जल्दी चैट में लिखें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बायो एक्टिव पेप्टाइड्स के बारे में। बायो एक्टिव पेप्टाइड्स जो है अमीनो एसिड की स्मॉल चेन है। क्या है? स्मॉल चेन है, जिनमें आमतौर पर 2 से 20 अमीनो एसिड होते हैं, जो
शरीर में विशिष्ट शारीरिक प्रभाव डालते हैं। ये पेप्टाइड्स एंजाइमेटिक पाचन या हाइड्रोलिसिस के माध्यम से विभिन्न प्रोटीन से प्राप्त होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रोटीन के टूटने से ये जो है बायो एक्टिव पेप्टाइड्स प्राप्त होते हैं। इनमें बुनियादी रूप से पोषण संबंधी सभी कार्यों को करने में, जैविक गतिविधियां करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओरिजिन क्या है इनका? बायो एक्टिव पेप्टाइड्स दूध, मांस, मछली, अंडे और पौधों जैसे खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। ये डाइजेशन एंड फूड प्रोसेसिंग के दौरान अक्सर बड़े प्रोटीन अणुओं से निकलते हैं, यानी लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल को टूटने के बाद ये प्राप्त होते हैं। दूसरी जैविक गतिविधियां, तो ये पेप्टाइड शरीर में शारीरिक कार्यों जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि, प्रतिरक्षा तंत्र, रक्तचाप को रेगुलेट करना या मेंटेन करना, प्रतिरक्षा प्रणाली की उत्तेजना और हार्मोन रिलीज के मॉड्यूलेशन के साथ बातचीत और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, यानी कि जो सेल रिस्पॉन्स होता है, सेल का कम्युनिकेशन है, उसको भी मॉड्यूलेट करने में ये हेल्प करते हैं। बायो एक्टिव पेप्टाइड्स जो है विभिन्न तंत्रों पर, जो हमारे बॉडी सिस्टम है उनके माध्यम से अपने पर प्रभाव डालते हैं, जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे जुड़ना, एंजाइम को रोकना, एक्टिव करना, सो ये इंटरेक्टिंग विथ हार्मोन्स और इन्फ्लुएंसिंग जीन एक्सप्रेशन, उसमें भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सेलुलर कम्युनिकेशन को बनाए रखने में भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ पेप्टाइड्स का हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, कि जैसे कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड, माँ के स्तन के दूध में और अन्य स्रोतों में पाए जाने वाले ये पेप्टाइड शिशुओं को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। दूसरे हैं एंटी ऑक्सीडेंट पेप्टाइड, मट्ठा और सोया जैसे प्रोटीन से प्राप्त ये पेप्टाइड फ्री रेडिकल्स को हटाने में, जिससे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, तो वो कहलाएंगे एंटीऑक्सीडेंट पेप्टाइड। ये किसमें? सोया जैसा प्रोटीन है, मट्ठा है, उसमें पाया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव पेप्टाइड, ये अक्सर जो है फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, जो कि रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फिर है ओपिओइड पेप्टाइड्स, तो ये दूध और अंडे जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले ये पेप्टाइड शरीर में ओपिओइड के समान प्रभाव डाल सकते। तो देखा यहाँ पर इसके जो स्वास्थ्य लाभ के रूप में क्या क्या है, तो अपनी विविध जैविक गतिविधियों के कारण बायो एक्टिव पेप्टाइड्स का उनके स्वास्थ्य लाभों के लिए अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, मोटापा और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों को रोकने में इनकी भूमिका शामिल है। देखा जाए तो ये समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा दे सकते हैं। लास्ट है बायो एक्टिव पेप्टाइड्स के बाद एंटीऑक्सीडेंट, तो ये मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूं, जिनको नहीं मालूम है उनको भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपके सामने एक पिक्चर है, आप ये पिक्चर में देखिए। ये एक फ्री रेडिकल है, हमने 10वीं की क्लास में या 11वीं क्लास में सभी ने देखा होगा, जब हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के, तो ये पेयर में होना चाहिए। कैसे? इस तरीके के पेयर में, तो ये 2, 8, 16 इस तरीके के पेयर में होते हैं। तो हमारे शरीर में डाइजेशन
प्रोसेस के दौरान या अलग अलग रासायनिक क्रियाओं के दौरान ये फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग निकलते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिसके कारण ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, और ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए सेल की मेम्ब्रेन के आसपास जमा होके अपने को स्टेबल करने की कोशिश करता है। और इनके कारण क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। वो जब डैमेज होती है तो इसको बचाने के लिए हम जो खाने में एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, जैसे विटामिन सी या विटामिन ई रिच जो फूड है, जैसे कि संतरे, अभी हमने देखा टेरपेनॉइड्स वगैरह हैं, जिनमें भी एंटीऑक्सीडेंट गुण होंगे। एंटीऑक्सीडेंट गुण मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो ये भी स्टेबल रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी, ठीक है, तो ये तो स्टेबल है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा फ्री रेडिकल्स को, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो ये भी जो है एक नॉर्मल मॉलिक्यूल के रूप में जो है सर्कुलेट होना शुरू करेगा, और ये जो डैमेज कर रहा था वो डैमेज रुक जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का भोजन में होना जरूरी है। और ये एंटीऑक्सीडेंट ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, आपको जो है फ्रूट खाने पड़ेंगे, वेजिटेबल खाने पड़ेंगे, उनके अंदर वो गुण होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमें हमारी आंखों से नहीं दिखते, इनको जब आप सूक्ष्मदर्शी से जो हम देखते हैं, है ना, बहुत बारीक होते हैं, तो इनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। मॉलिकुलर बेस पर ये चर्चा हो रही है हमारी, तो मॉलिकुलर बेस पे देखा जाए तो जिन भी चीजों में ये फ्री रेडिकल्स बनेंगे उनको ये एंटीऑक्सीडेंट एक अपना इलेक्ट्रॉन देके उसको स्टेबल कर देंगे, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है कम हो जाएगा और शरीर में जो है जो डैमेज हो रहा था वो डैमेज होना कम हो जाएगा। अब जैसे कोई एक बीमारी आप मुझे बताइए जिसमें सेल मेम्ब्रेन की क्षति होती है या सेल जो है जल्दी खराब होती है, ऐसी कोई डिजीज आपके दिमाग में आ रही है जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन या सेल डैमेज होती है, कोई एक बीमारी आप लोग लिखकर बताइए, कोई भी एग्जाम्पल आपको अगर याद आ रहा है, ऐसी बीमारी जिसमें कि सेल डैमेज हो रही है या सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है। या जो सेल से जुड़ी हो, चैट बॉक्स में लिखें। कैंसर है, और कोई डिजीज, लीवर सिरोसिस है, अर्थराइटिस है, और कोई जैसे सोरायसिस भी है, डायबिटीज हो गया, वेरी गुड। तो इस तरह की बीमारियों में डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है जिसमें कि सेल डैमेज हो जाती है और जो है प्रॉपर जो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है नर्व की। तो ऐसी स्किन डिजीज वगैरह हो गई, कुछ स्किन डिजीज तो ऐसी है कि ऐसा हाथ के ऊपर से आप हाथ फेर दीजिए तो स्किन ही झड़ जाती है, इतनी तेजी से जो है उनकी सेल डैमेज होती है। तो ऐसी बीमारियों को रोकने का सबसे बड़ा, वेरी गुड, अल्जाइमर एंड रूमेटिज्म, बहुत बढ़िया। तो ऐसी बीमारियों को रोकने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका जो है एंटीऑक्सीडेंट उनकी बॉडी में बढ़ जाए। अगर ये बढ़ जाएंगे तो फ्री रेडिकल्स खत्म होंगे, फ्री रेडिकल्स खत्म होंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो सबसे पहले तो बीमारी रुकेगी, और जो है रुकने के बाद फिर बीमारी ठीक होगी। शरीर में एक और तरीका है, ऑक्सीजन का लेवल अगर हम बढ़ाएं तो वो भी जो है इस तरह की सेल से रिलेटेड डिजीजेस को खत्म करने में हेल्प करता है। तो न्यूरोथेरेपी का जो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट जो हम देते हैं तो शरीर में, ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन बैलेंस रहे जिससे जो डिजेनरेटिव डिजीज है उनको रोकने में हेल्प मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल हमने देखा कि फ्री रेडिकल्स को नष्ट करना, दूसरा था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है कम करना। तो जो बुढ़ापा जो आता है वो भी जो है फ्री रेडिकल्स के कारण, हमारा समय से अगर बॉडी में ये बढ़ जाए तो समय से पहले हमारी स्किन कमजोर होना, लूज होना, झड़ना, जो
जो भी चीजें हैं वो इसमें शामिल हो जाती हैं, तो आदमी जो है जल्दी पूरा दिखना शुरू हो जाता है। तो इसके प्रमुख स्रोत जो हैं वो हैं विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम और पॉलीफेनॉल्स जैसे पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे स्रोत। तो ये आप जो है ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारे जो है कंप्लीट होते हैं फाइटोकेमिकल्स। अब हम आगे का इसमें जो टॉपिक है फाइटोकेमिकल्स के आगे का वो हम पढ़ेंगे। तो भारत में सब्जियों और फलों का सेवन बेहद कम है और भारत में लोग प्रतिदिन केवल 100 ग्राम से 200 ग्राम सब्जियां और फल खाते हैं, जबकि जो सिफारिश की जाती है या जो सही मात्रा है वो प्रतिदिन कम से कम 500 ग्राम है उसकी मात्रा। तो अनुशंसित मात्रा में सब्जियों और फलों के सेवन से मधुमेह जैसी पुरानी एनसीडी का खतरा कम हो जाता है अगर आप 500 ग्राम प्रतिदिन जो है सब्जी फल वगैरह लें। और उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। अगला टॉपिक है माइक्रोग्रीन्स क्या है। माइक्रोग्रीन्स शब्द किसी ने सुना है या कुछ आप रिलेट कर पा रहे हैं इससे? माइक्रोग्रीन क्या होता है, कभी आपने सुना हो या कुछ जानकारी है? नहीं है वो मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा ही। अगर किसी को जानकारी है तो लिख सकते हैं चैट में। वेरी गुड, स्प्राउट। हाँ, ये कुछ कुछ इन्हीं से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पिक्चर में आपके सामने है, ये माइक्रोग्रीन कहलाते हैं। जैसे आप मूंग को जो है कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए तो उसमें जो है छोटी छोटी पोपले निकल आएंगी, या स्प्राउटेड जब लॉन्ग स्प्राउटेड हो जाते हैं है ना, तो ये जो है माइक्रोग्रीन्स कहलाते हैं। अब इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। माइक्रोग्रीन्स जड़ी बूटियों, सब्जियों या यहाँ तक कि अनाज के जो युवा कोमल पौधे हैं जिनमें पत्तियों के केवल एक से दो जोड़े होते हैं। तो वैकल्पिक रूप से माइक्रोग्रीन्स युवा पौधे होते हैं जिनकी कटाई बीज बोने के 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर की जाती है। तो माइक्रोग्रीन्स क्या है, जिनमें एक या दो उनकी पत्तियां निकलेंगी, दो चार पत्तियां हैं, दो चार डाले हैं, बस इतनी ही बड़ी होने तक वो जो है माइक्रोग्रीन कहलाए। और ये 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर इनको कट करके इनका यूज किया जा सकता है। माइक्रोग्रीन्स अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विभिन्न बायो एक्टिव कंपाउंड और फाइटोकेमिकल जैसे पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत। ये उभरते हुए कार्यात्मक खाद्य पदार्थ हैं जिनका कम मात्रा में भी सेवन करने पर विभिन्न कमियां और बीमारियों को रोकने की इनमें क्षमता होती है। इन माइक्रोग्रीन्स का उपयोग आप सलाद के रूप में, सूप में, सैंडविच में, इस तरीके से और कुछ खाद्य पदार्थों को सजाने के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। तो देखने में भी अच्छे लगते हैं या जो सर्व करते हैं तो एक अच्छी प्लेट को सजाने के रूप में भी यूज हो जाएगा, साथ में न्यूट्रिशनल वैल्यू है तो उसके साथ खाने में भी जाएगा। तो सैलेड के रूप में, सूप में, सैंडविच वगैरह में इस तरीके से इनका यूज करके खाया जा सकता है। माइक्रोग्रीन्स पर शोध से पता चलता है कि इनमें एलिफेटिक ग्लाइकोसिलेट्स
पॉलीफेनॉल्स उच्च मात्रा में होते हैं और मजबूत एंटीऑक्सीडेंट क्षमता वाले प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड प्रदान करने के लिए ये एक आहार वाहक के रूप में काम करते हैं, जैसे कि रजगिरा है, तुलसी है, सरसों है, मटर है, अजमोद है, चुकंदर है, धनिया है, ब्रोकली है, अजवाइन। ठीक, ये सभी जो है माइक्रोग्रीन्स के अंदर आते हैं। लाल पत्ता गोभी के माइक्रोग्रीन्स को लिपिड प्रोफाइल को अनुकूल रूप से नियंत्रित करने के लिए खाया जाता है। और जो मेथी है, इसमें डायबिटीज को ठीक करने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करती है क्या मेथी। तो यहाँ पर देखा, लाल पत्ता गोभी जो है लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करना है या उसको सही मात्रा में बनाए रखने में हेल्प करता है। तो लिपिड प्रोफाइल में हम कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं, लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या आ जाता है, किसी को याद है? जब हम किसी पेशेंट को बोलते हैं कि आप लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, तो उसमें हमें क्या पता चलता है? आप चैट में लिख सकते हैं HDL, LDL, very good, और ग्लिसराइड एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। सो लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए लाल जो पत्ता गोभी है उसका उपयोग किया जाता है, और डायबिटीज में अक्सर हमने देखा है कि मेथी का प्रयोग काफी कारगर होता है, जो डायबिटीज को रिवर्स करने में या शुगर को मेंटेन करने में काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो सब्जियों और फलों में मौजूद पोषक तत्व और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं? तो जैसे कि आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक एक आवश्यक तत्व है, और रक्त की लाल कोशिकाओं में मौजूद लाल रंग का ये द्रव्य होता है। हीमोग्लोबिन टिश्यू तक ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें कि पीलापन और आसानी से थकान होती है और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन अवशोषण सीमित होता है। तो आयरन अवशोषण में सुधार के लिए, यानी एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए आयरन के, भोजन के बाद अमरूद या संतरे जैसे विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात अभी जो है आपके सामने है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन, अगर किसी को आयरन लेने के बाद भी आयरन नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों को आयरन अवशोषण में सुधार के लिए भोजन के बाद अमरूद या संतरे जैसे विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक, अभी हमने देखा था कि जो फाइटोकेमिकल्स हैं उनमें विटामिन ए, विटामिन सी और फोलिक एसिड की हमने बात की थी, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, या ऐसे स्रोत जिनमें विटामिन ए है, या ऐसे फल और सब्जियां जिनमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, तो ये जो है इनमें फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। तो विटामिन ए कैरोटेनॉइड्स विटामिन ए के प्रीकर्सर के रूप में हरे या गहरे पीले या नारंगी रंग के फलों और सब्जियों में भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, संतरा, शकरकंद, पपीता, आम, ये विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत हैं। विटामिन ए किस तरह का विटामिन है? यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि हमारी दृष्टि की रोशनी को, जिनको अगर कम दिखता है, मंद रोशनी को जो है बढ़ाने में हेल्प करता है। और एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर होते हैं, किसी को याद है? हमने जब विटामिन ए के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने एपिथेलियल टिश्यू की बात की थी, याद है किसी को एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर होते हैं?
तो ये जो विटामिन ए है एपिथेलियल टिश्यू को बनाने में मजबूत करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं है, चलिए मैं बताता हूँ। एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, नीज नहीं है। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है, जो भी हमारी डक्ट हैं बॉडी में, जैसे पैनक्रियाटिक डक्ट है या फिर लंग्स का ट्रेकिया है, या अंदरूनी आप जो भी टिश्यू है, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो टिश्यू है, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो जो भी डक्ट है, या इस तरीके की जो भी पाइप है या कैनाल है, उनके अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं वो टिश्यू जो है एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं। आपने ये शब्द सुना होगा, जब हम यूरिन कल्चर टेस्ट कराते हैं तो यूरिन कल्चर टेस्ट में यूरिन में आपको कई बार लिखा आता है 4 to 5 नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल या पस सेल्स आती हैं। तो ये क्या है, उस ट्रैक्ट में इन्फेक्शन को दिखाते हैं कि भाई जो है ये टिश्यू जो है यूरिन के अंदर आने लगे, यानी कि वहाँ इन्फ्लामेशन हो गया, वहाँ इन्फेक्शन हो गया। ठीक, तो एपिथेलियल टिश्यू को मजबूत करने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा क्या है, विटामिन ए की कमी में आंख का जो सफेद भाग है, जिसे कंजक्टिवा बोला बोला जाता है, अपनी चमक खो देता है और ड्राई हो जाता है, और बिटर स्पॉट जो है झागदार धब्बे के रूप में प्रकट होता है, ये विटामिन ए की कमी से। और गंभीर विटामिन ए की कमी में आंख के काले क्षेत्र में जो है अल्सर हो जाता है, जिससे छोटे बच्चों में अपरिवर्तनीय अंधापन हो जाता है, और सामान्य संक्रमणों के प्रति शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जो है कम हो जाती है। तो उस क्षमता को बनाए रखने में भी विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं आपको दिखाता हूँ बिटर स्पॉट क्या होता है आई में। ये देखिए, ये जो व्हाइट दिख रहा है ये बिटर स्पॉट, और अगर गंभीर हो जाए तो हमारे इस काले वाले हिस्से में भी जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे धुंधलापन या अंधापन भी विटामिन सी। तो विटामिन सी के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैं देता हूँ। तो ताजे खट्टे फल, अमरूद, आंवला और टमाटर जैसी कुछ सब्जियों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। विटामिन सी जो है स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए भी आवश्यक एक पोषक तत्व है। यह आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और विटामिन सी की कमी से कमजोरी, मसूड़ों से खून आना और हड्डियों का खराब विकास होता है। हालांकि यह वायुमंडलीय ऑक्सीडेशन के द्वारा विनाश, इसका मतलब नष्ट होने के लिए बड़ा सेंसिटिव है, अगर इसको आप कट करके, जैसे जिनमें विटामिन सी है तो कट करके अगर आप रख देंगे तो ये नष्ट भी हो जाता है। तो इसी यही कारण है कि जब सब्जियां सूखी और बासी हो जाती हैं या कट जाती हैं, और जैसी वो हवा के संपर्क में आती हैं या पकाकर खा ली जाती हैं, तो मूल रूप से मौजूद अधिकांश विटामिन नष्ट हो जाता है। तो अगर इनको जैसे ही आपने काटा, तुरंत इनको, जैसे आंवला है, अमरूद है ना, टमाटर है, खट्टे फल हैं, इनको आप खा लें डायरेक्ट, तो वो आपको अंदर मिल जाएंगे। अगर इनको कट करके आपने रख दिया 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो वो ज्यादातर विटामिन जो है नष्ट हो जाता है। या फिर जैसे आपने देखा होगा एप्पल को कट करने के बाद सॉरी वो लाल पड़ जाता है, तो इसी तरह से, या फिर सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाने से भी जो है विटामिन जो है नष्ट हो जाते। फिर है फॉलिक एसिड। हरी पत्तेदार सब्जियां फोलेट का बहुत अच्छा स्रोत होती हैं। यह हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल के का मल्टीप्लीकेशन और मैच्योरिटी के लिए आवश्यक विटामिन भी है, और इसकी कमी से एनीमिया भी होता है। तो गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड का सेवन भ्रूण में न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट को रोकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकता है, और यह शिशुओं के जन्म के समय वजन को बढ़ावा देता है। फॉलिक एसिड की कमी से रक्त में होमोसिस्टीन
स्तर बढ़ जाता है जिससे स्ट्रोक और हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, किसी को मालूम है तो जरूर वह लिखें चैट में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, शायद किसी ने पढ़ा हो या कभी ये वर्ड सुना हो, स्पाइनल कॉर्ड डिजीज। हाँ, आप काफी नियर हैं। इसमें कौन सी डिजीज आती है स्पाइनल कॉर्ड की? नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है। कोई और डिसीज जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेटेड है? लोग गैस करें जल्दी जल्दी। हाँ, ये है स्पाइना बाइफिडा, जो एक तरह का स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट होता है जिसमें ये एक पाउच की तरह बाहर निकल आता है और इसमें मूल रूप से फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण ये। वेरी गुड रश्मि जी, आपने बहुत बढ़िया बताया। ठीक है, सो ये जो है इसीलिए गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ा दी जाती है और खाने की सलाह दी जाती है ताकि जो है बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना आए और उनका वजन भी प्रॉपर मात्रा में हो। तो फॉलिक एसिड की कमी से रक्त में होमोसिस्टीन बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो है हार्ट डिजीज वगैरह होती है। तो ये होमोसिस्टीन क्या है, मैंने जब क्लास के बारे में आपको बताया था, ग्रुप में डाला था, तो उसमें एक वर्ड लिखा था होमोसिस्टीन, वो इसी के लिए था और इसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जी, लेक ऑफ फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल डिफेक्ट होता है। तो होमोसिस्टीन क्या है, इसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा सा टाइम और चाहिए रहेगा आपका, तो ये क्लास जो है यहाँ पे हम कर देंगे एंड। तो एक 10-15 मिनट और हम इसको देखेंगे। तो अभी हम होमोसिस्टीन के बारे में, तो होमोसिस्टीन एक तरह का अमीनो एसिड है जो शरीर में सामान्य मेटाबॉलिक प्रोसेस के रूप में निर्मित होता है, जिसमें मैथियोनिन एक अन्य अमीनो एसिड शामिल है। यह मैथियोनिन साइकिल में एक मीडिएटरी मध्यवर्ती कंपाउंड है, यौगिक है, और इसे कुछ विटामिन और एंजाइम की मदद से सिस्टीन में परिवर्तित किया जा सकता है या वापस मैथियोनिन में रिसाइकिल किया जाता है। होमोसिस्टीन के बारे में कुछ चीजें इस तरह से हैं। पहला है मेटाबॉलिज्म। तो होमोसिस्टीन तब बनता है जब शरीर में मैथियोनिन का मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय होता है। मैथियोनिन आहार प्रोटीन स्रोतों से प्राप्त एक आवश्यक अमीनो एसिड है। ठीक। दूसरा है रक्त में होमोसिस्टीन के बढ़े हुए स्तर, जिसे बोलते हैं हाइपर होमोसिस्टिनीमिया। ठीक, रक्त में होमोसिस्टीन जब पड़ता है उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया। हृदय रोग और स्ट्रोक और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं इसके बढ़ने के कारण। तो होमोसिस्टीन के हाई होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला है जेनेटिक कारण। होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म में शामिल एंजाइमों को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक इफेक्ट या परिवर्तन जो है इसके उच्च स्तर को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है पोषण संबंधी कमियां। होमोसिस्टीन चयापचय में शामिल विटामिनों जैसे कि फॉलेट, विटामिन B9, विटामिन B12 यानी B12 और विटामिन B6 का
अपर्याप्त सेवन या अवशोषण उच्च स्तर का कारण बन सकता है। अगला है जीवन शैली कारक। धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन करना और कुछ दवाएं भी होमोसिस्टीन के स्तर को प्रभावित करते हैं। रक्त में होमोसिस्टीन के स्तर को एक साधारण रक्त परीक्षण के माध्यम से मापा जा सकता है। सामान्य तौर पर यह 5 से 15 माइक्रो मोल प्रति लीटर तक होता है। तो ये जो है होमोसिस्टीन इस तरह से होता है। इसके बारे में एक है, अभी मैं कुछ दिन पहले एक पेशेंट देख रहा था जो जिनकी शादी को करीब 8 साल हो गए, तो उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, एक तरह की इनफर्टिलिटी उनके अंदर डेवलप हो रही थी। तो उनके डॉक्टर ने होमोसिस्टीन का टेस्ट कराया। होमोसिस्टीन के टेस्ट कराने से उनके अंदर जो है बढ़ा हुआ होमोसिस्टीन आया। तो B12 की अगर कमी होगी, B12, B9, B6 इनकी अगर कमी होगी तो नेचुरली जो है आपका होमोसिस्टीन बढ़ जाएगा, और होमोसिस्टीन जब पड़ेगा तो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है। तो इस होमोसिस्टीन के टेस्ट से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को B12 की कमी नेचुरली होगी, तब ही वो बढ़ता है और हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसे खतरों को बढ़ा देता है। तो इसीलिए अगर हम B12 और B6 जैसे जो नियासिन है, फोलिक एसिड है, B12 है, ये सब अगर मेंटेन रखेंगे तो होमोसिस्टीन नॉर्मल रेंज में रहेगा, ऐसे लोग स्वस्थ रहेंगे और उनको हार्ट डिजीज स्ट्रोक का खतरा कम रहेगा। ठीक, ये था होमोसिस्टीन। तो होमोसिस्टीन को अगर ठीक रखना है तो ये सब विटामिन का शरीर में होना जरूरी है। कैलोरी, कई सब्जियों और फलों में कम कैलोरी, 20 किलो कैलोरी, 100 ग्राम सब्जियों में 20 किलो कैलोरी होती है। तो ऐसी सब्जियों और फलों का अधिक सेवन आहार में कैलोरी कम करने के लिए या वजन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। दूसरी ओर अरबी, आलू, रतालू, शकरकंद जैसी सब्जियां और केला, एवोकाडो, नाशपाती और महुआ जैसे फलों में प्रति 100 ग्राम में 70 से 100 या 100 किलो कैलोरी से अधिक की ऊर्जा होती है। तो इन्हें मध्यम मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो ऐसी सब्जियों का सेवन, अगर जिनको वजन कम करना है तो वो ऐसी सब्जियों का सेवन करें जिनमें 100 ग्राम के अंदर 20 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, जिनका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और जिनको वजन बढ़ाना है वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स सब्जियां खाएं, जैसे कि अरबी है, आलू है, शकरकंद है, रतालू है, केला है, एवोकाडो है, नाशपाती, ये सब खाने से जो है वजन बढ़ेगा। और अगर आपको वजन कम करना है तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली जो सब्जियां, उनका सेवन करेंगे तो वजन कंट्रोल में रहेगा, कम होगा। किसी को कितने फल और सब्जियां खानी चाहिए? तो पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जाता, यह अनुशंसा की गई है या ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 400 ग्राम सब्जियां, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल 100 ग्राम एंड अन्य सब्जियां जो है 250 ग्राम और कुछ कंदमूल का जो जड़े हैं उनका भी उपयोग कर सकते, तो वो 50 ग्राम ग्रीन लीफी वेजिटेबल 100 ग्राम, अदर सब्जियां जो है 250 ग्राम एंड जो जड़े वाली सब्जियां हैं, कंद हैं, वो 50 ग्राम और 100 ग्राम ताजे फल प्रतिदिन लेने चाहिए। 100 ग्राम बहुत है। और गर्भावस्था के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन 100 ग्राम पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और आलू, रतालू, अरबी और कसावा जैसे कंदों का सेवन सीमित करना चाहिए। सेवन कर सकते हैं पर कंट्रोल में करना। किन सब्जियों और फलों को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो हमें ताजी और स्थानीय रूप से, यानी कि आप जहां रहते हैं वहां पर उपलब्ध सब्जियां, और विशेष रूप से मौसमी सब्जियां और फलों का सेवन करना चाहिए।
इनमें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है और बहुत स्वादिष्ट भी होती है। हालांकि कोई भी फल या सब्जी सभी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, मुख्य बात यह है कि हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंगों के साथ सब्जियों को खाया जाना चाहिए। पीली, नारंगी सब्जियों के अलावा आमतौर पर खाई जाने वाली पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, जामुन और अन्य सब्जियों को भी शामिल करें। लाल, गहरा लाल और बैंगनी रंगीन खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होने के कारण आहार को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध करते हैं। गाजर, मूली, चुकंदर जैसी जड़ वाली सब्जियों को आलू, रतालू, अरबी जैसे कंदों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाउ टू प्रिवेंट कुकिंग लॉसेस, खाने के दौरान सब्जियों के जो है न्यूट्रिएंट्स के लॉस को हम कैसे रोक सकते हैं? तो पोषक तत्वों की हानि को रोकने के लिए सब्जियों को काटने या छीलने से पहले धोना चाहिए। काटने के बाद नहीं धोना है, काटने के पहले धो लेना है, ठीक है, या छीलने के पहले, तो इससे जो है थोड़ी न्यूट्रिशन बच जाएंगे। इसके अलावा नुकसान को कम करने के लिए खाना पकाने के उचित तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। जब सब्जियों को काटने के बाद धोया जाता है या पकाने के लिए छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो पोषक तत्वों की हानि होती है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम जैसी जड़ वाली सब्जियों को आलू, रतालू, अरबी जैसे कंदों की तुलना में जो है प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स। अगर कंदमूल वाली जड़ें वाली सब्जियां के तौर पे आपको खाना है तो आप गाजर, मूली, चुकंदर इनको आप चुने, शलजम वगैरह है, बीटरूट वगैरह है, और जिनको हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स की जरूरत है, ज्यादा सुगरी चाहिए, तो वो फिर आलू है, रतालू, अरबी ये सब उसमें आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बस इसके बाद क्लास एंड होगी। सो दैनिक आहार में ताजी सब्जियां और हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। शिशुओं को पूरक आहार के रूप में यानी कॉम्प्लीमेंट्री फूड के रूप में ग्रीन लीफी वेजिटेबल शामिल करें और अपने सभी भोजन में विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल विभिन्न रूपों में खाएं। कच्चा सलाद, सूखी पकी हुई सब्जियां, सूप, दही के साथ रायता मिलाकर या दाल और अनाज में मिलाकर खा सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान सब्जियों और फलों का सेवन बढ़ाएं और कंदों की अपेक्षा जड़ वाली सब्जियों को प्राथमिकता। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे।